छतरपुर पुलिस ने चर्चित मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज पाठक हत्याकांड की गुत्थी सुलझा दी है। डॉक्टर पाठक की हत्या के मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है डॉक्टर पाठक की पत्नी ने पहले उनको खाने में जहर दिया, उसके बाद उनको करंट लगाकर मौत की पुष्टि की। पुलिस ने नीरज पाठक हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया है कि आरोपी ममता पाठक ने स्वीकार कर लिया है कि उसने खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया था, जिसके बाद नीरज पाठक की मौत हो गई थी। उसके बाद भी उसने बिजली के एक्सटेंशन बोर्ड से उसे करंट लगाया। नीरज की मौत होने के बाद वो अपने बेटे को लेकर झांसी चली गई। रास्ते में बेतवा नदी में वह एक्सटेंशन बोर्ड फेंक गई थी और 2 दिन तक शव रखे रहने दिया ताकि जहर से मरने की पुष्टि ना हो सके। इसके बाद पुलिस को सूचना दी, जिसकी वजह से रिपोर्ट में जहर से मौत होना नहीं आया। गौरतलब है कि ममता पाठक और उनके पति नीरज पाठक के बीच पिछले 11 साल से विवाद चल रहा था। वे दोनों अलग रहते थे, लेकिन कुछ दिनों पूर्व ही वे फिर से एक साथ रहने लगे थे। ममता पाठक अपने पति के चरित्र पर संदेह करती थी। इसी को लेकर पिछले 11 सालों से दोनों के बीच एक दूसरे के खिलाफ 3 बार पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। नीरज पाठक की मौत के पहले ममता पाठक ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी, जिसमें डॉक्टर नीरज पाठक पर उन्होंने उनके बेटे को जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप लगाया था। डॉक्टर नीरज पाठक की कुछ दिनों पहले 29 तारीख को संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। उनकी पत्नी की रिपोर्ट पर 1 तारीख को हमने मरे कायम किया था डॉक्टर ममता पाठक की रिपोर्ट पर। चूँकि मामला संदिग्ध था और प्राइम सस्पेक्ट हमें ममता पाठक ही लग रही थी, मर्ग जांच की गई। उसके उपरांत 4 तारीख को हमने FIR दर्ज की थी। चूँकि मामला संदिग्ध था और हाई प्रोफाइल था, अज्ञात में कायम की गई थी। ये चीज़ों को जुटाने पर, सबूतों को जोड़ने पर पता चला कि मैडम ने 29 तारीख को उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद वो बाहर चली गई थी और पुलिस को सूचना नहीं दी थी। मामला शुरू से ही संदिग्ध प्रतीत हो रहा था और बारीकी से पूछताछ करने पर उन्होंने आज अपने पति की हत्या करना स्वीकार कर लिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।